मुड़ी दीजिए। ये कितने क्यूबिक एरिया पर समथिंग? 60 घन मीटर का है। 60 गज मीटर? घन मीटर। हाँ। 60 घन मीटर मतलब कितना क्या हो गया इसके? घन मीटर ही बोल दो, क्यूबिक मीटर बोल दो, घन मीटर में आता है। हाँ वो क्यूबिक मीटर ही हो गया। हाँ। तो इसके अंदर कितना प्रोडक्शन हो जाता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? एक टाइम में 60 घन मीटर गैस मिलेगी इसको, एक बार जैसे खड़ा होगा तो 60 घन मीटर गैस मिलेगी। तो मतलब कि कितना लिफ्ट हो जाता है? 4.25 फीट के लगभग। 4.25 फीट? हाँ। तो इन फीट के लगभग आपको 1.5 फीट और होता है ऊपर पीछे से। वहाँ पे देख सकते हैं? हाँ। यहाँ से इसमें गोबर को पानी के साथ लिक्विड करके अंदर डालते हैं। अच्छा। ये इसका स्टेरर होगा, इसको घुमाते चले जाते होंगे। हाँ। समथिंग ऐसा कुछ है? नहीं। इसके अंदर टेम्परेचर और क्या रखना जरूरी है, क्या है इसका? कैसा टेम्परेचर वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल नॉर्मल है अपने जो साधारण जैसे अपने काम में ले रहे हैं। हाँ। मतलब ये मैनुअल है। अच्छा। जैसे गर्मी पड़ेगी उसके अनुसार इसमें गैस बनेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे गर्मी होती जाती है उसके हिसाब से ये बनता है। सर्दी का टाइम है तो इसमें गैस कम बनेगी, कम बनेगी, और बाकी गर्मी के टाइम में ज्यादा बनेगी। गर्मी के टाइम में ज्यादा बनती है वो फर्मेंटेशन के हिसाब। हाँ। से जो होगा। तो ये जितनी ये टोटल जितनी भी गैस है कितने टाइम तक चल जाती है अगर इसको जैसे अगर यूज कर रहे हैं तो? ये अगर जनरेटर चलाते हैं तो ये 12.5 किलोवाट के जनरेटर मतलब 15 घंटे के लगभग चलेगा इससे। 15 घंटे के आसपास चलता है? हाँ, 12.5 किलोवाट का। ठीक है। तो जैसे हमारे वहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अपन को जैसे एक रूम है उसके अंदर फर्नेस है उसको गर्म करना पड़ता है, मतलब कि कोयले डालने पड़ते हैं। मान लो आप 10 किलो कोयला अपन को रेगुलर उसके अंदर डालना है तो कितने एरिया और कितना अपन को रिक्वायर करेगा इसके अंदर टोटल इसके लिए? हाँ, इसके लिए तो आपके उसके अनुसार है कि आप कितने घन मीटर का बना रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपको बताया 3 घंटे कोयला चलता है कंटिन्यूस। तो 3 घंटे कोयला चलता है तो ये 6 घंटे लग 6 घंटे लगभग चलेगी, मतलब ये वाला जो है ये 6 घंटे के आसपास चल। हाँ, सकता है। तब आपकी उस कोयले की बराबर हीट दे पाएगा ये, हीट के लिए काम। हाँ, हीट के लिए करना है, मतलब एक रूम है, मतलब कि ये मान लो 6x6x8 6 फिट x 6 फिट x 8 फिट का पूरा है और उसके अंदर 2x2 फुट का एक गड्ढा है, 2x2 x 1 फिट का, उसके अंदर अपन कोयला भर देते हैं। हाँ। तो वो 3 घंटे तक कंटिन्यूस चलता रहता है, रूम को पूरा गर्म कर देता है और उसके अंदर कुछ ऐसे जैसे क्ले पॉट्स और समथिंग कुछ होते हैं ना गर्म करने के लिए, वो रहती हैं तो उसके अंदर हो रहेगा। अब मैं सोचता हूँ कि इसका बर्नर बना लेते हैं। हाँ। और बर्नर के फॉर्म में मतलब कि उसके अंदर से पॉइंट्स निकाल दिए और उसके अंदर सिंपली आग जला देंगे। हाँ। तो वो कंटिन्यूस क्या चलता रहेगा क्या? हाँ, चलता रहेगा कंटिन्यूस। अच्छा, तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा या तो आप मेरे को? ये आप ये जगह ही देख लो कितने। नहीं, ये तो ठीक है, मतलब कि इतना ही पूरा ये रिक्वायर करेगा पूरा? ये तो इसका ये तो इतना चाहिए। जैसे अपना जो वेस्टेज है इसका वेस्टेज निकलेगा। हाँ हाँ। उसके लिए आपका वेस्टेज क्या होगा, आप क्या डालोगे उसमें? मैं तो जैसे अब ये तो अपन वो काउडंग समथिंग लेकर चल रहे हैं। हाँ। तो मैं तो आज कह रहा हूँ आसपास के जो वो रेस्टोरेंट होते हैं कुछ होते हैं तो इधर उधर का कचरा होता है तो उससे तो और भी जल्दी अच्छा खासा वो बनता है। तो वो जो ऑर्गेनिक मैन्यूअर है वो अपन इसके अंदर यूज में लेने वाले हैं। अब इसमें ज्यादा तो जैसे 100 वर्ग गज का प्लॉट और चाहिए इसके अलावा, तो मतलब कि उसके कचरे के लिए? हाँ। नहीं, इसको कचरे को अपन डायरेक्टली वो मतलब कि सिविल लाइन के अंदर निकाल देते हैं तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो डायरेक्टली वहीं पे चलता रहेगा, पानी भी इसके अंदर चलता रहेगा और वैसे। हाँ। भी तो उसके साथ में वर्क कर सकता है क्या? हाँ, वो उसके साथ कर जाएगा, मगर इसमें काउडन की आवश्यकता पड़ेगी आपको उसके साथ में। साथ में? हाँ, वो इसके अंदर बैक्टीरिया फॉर्मेशन के लिए। हाँ। तो जैसे मैंने नेट पे देखा था कि मतलब कि जो काउडंग से तो होता है वो तो 2% बनाता है और बेकरी प्रोडक्ट या समथिंग कुछ होते हैं तो उससे 900 गुना ज्यादा वो। हाँ। मतलब कि बनाता है। नहीं, काउडंग जो अपन इसमें डालेंगे ना उसके। हाँ। साथ में जो आप जैसे वो सब्जी वगैरह जो डालोगे। हाँ, हाँ, हाँ। वो सारी इसके साथ जल्दी गलेगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कि उसके साथ में वो। हाँ। बैक्टीरिया क्योंकि इसके अंदर होता है। हाँ। वो उसके अंदर बैक्टीरिया बाद में टाइम लगता है, ब्लॉक नहीं हो पाएगा अपना। अच्छा 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 अगर अपन वही वो डालेंगे तो उससे वो ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, उससे वो ब्लॉक हो सकता है।
क्योंकि वो डंठल वगैरह जो भी है पाइप में से निकल नहीं पाएंगे। अच्छा इसका इसका सिस्टम इस तरह से है कि ये जो यहाँ से जो इनलेट इसका जाने का गोबर का, हाँ, वो बिल्कुल पैंदे में है। इसके 16 फिट गहरे, 16 फिट गहरे नीचे होगा। हाँ नीचे है वो। ठीक फिर इसको है। दो पार्ट में क्या हुआ है, अच्छा पूरे टैंक को यहाँ से मतलब 4 फिट नीचे से दो दो हिस्सों में है, ये दीवार है बीच में। अच्छा बीच में दीवार है इसके। बीच में दीवार है। हाँ। तो गोबर अपन ने जो डाला आज, हाँ हाँ, वो इसके ऊपर से इधर आएगा। अच्छा वो नीचे से पहले उठकर ऊपर की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ आएगा। हाँ हाँ। फिर ऊपर आएगा तो वो फिर वापस निकलने के लिए बिल्कुल नीचे से है इसमें। अच्छा तो वो बिल्कुल 16 फिट नीचे से बाहर आएगा। ठीक है। तो मतलब जो आज अपन ने डाला ना, वो मतलब 30 से 45 दिन के अंदर वो बाहर आएगा। वो अच्छा मतलब कि नया नया जो है वो पुराने के साथ मिक्स नहीं हो, इसलिए अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, ताकि उसके अंदर से फर्मेंटेशन होता रहे, फिर इसमें ऊपर से गिरेगा, फिर हाँ, वो नीचे फिर से वो नीचे से निकलेगा ऐसे इस तरह से। ठीक है, मतलब कि नया वो पुराने के साथ मिक्स होकर कहीं खराब हाँ, नहीं हो और एफिशिएंसी ज्यादा मिले, गैस पूरी निकल जाए अपने। जैसे 1 महीने तक रहेगा तो उसकी गैस तो निकलेगी, मिलेगी मिलेगी अपने को। हाँ यहाँ बिल्कुल जो बिल्कुल गैस जिसमें 0% के बराबर 1-2% जो रहेगी वो निकलेगी, बाकी ठीक बिल्कुल चलता रहेगा। ये 3 यूनिट अपन ने लगा रखे हैं इसमें। हाँ। अपने जो CNG जो भी कुछ है, आपने जो जनरेटर हाँ। और ले रखा है। हाँ। तो वो आपने कहा कि 15 घंटे कंटिन्यूस चल जाता है इससे। हाँ। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को रेगुलर इसको जोड़, इसको जैसे आप अगर उसमें नाली में भेज रहे हैं सीवरेज में, तो इसके साथ में आप जो आपका वो क्या कहते हैं उसको, आपकी जो लेटरिंग बाथरूम वगैरह है, हाँ हाँ, उसको साथ में जोड़ दो। नहीं एक्चुअल हमारी तो वहाँ पे फैक्ट्री है, फिर भी होंगे हाँ, वैसे। हाँ ठीक तो है, वो तो उसके साथ में जोड़ दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो है ही जो भी है। हाँ उसके साथ में जोड़ दो। हाँ हाँ, उसमें भी गैस बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर उसको नहीं जोड़ा जैसे सीवरेज वाला है। हाँ हाँ, सीवरेज वाले वो वहाँ आपके सीतापुरा में लगा हुआ है फैक्ट्री। हाँ हाँ, जिससे वो मेगावाट में बिजली बना रहे हैं। सीवरेज वाले से वो गोल गोल सी बनी हुई ना, अपने इस साइड से जाते हैं बड़ा प्रताप नगर की तरफ से जैसे जाते हैं लाइन के सारे सारे। हाँ हाँ, नाले के सारे सारे। हाँ हाँ, वो गोल गोल सी गुमटियाँ बनी हुई। हाँ गुमटियाँ बनी हुई हुई हुई, वो यही बन यही चीज है वहाँ। अच्छा उन्होंने इससे गोबर गैस हाँ, कर रखा है। गोबर गैस नहीं है उनके पास, उनका बायोगैस का होगा। नहीं सीवरेज जो लाइन है, सीवरेज लाइन से को अच्छा रोक करके वो उन्होंने वो उन्होंने है। वो बीच में ले लिया है और हाँ, उसकी गैस वो। अरे हाँ, वाह ये तो बहुत अच्छा है। और उसको फिर बाद में वापस जैसे जा रहा था वैसे निकाल दिया उसको। अच्छा, इधर से आ गया इसमें आपके रुका और उसके वापस बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम वहाँ पे अगर करना चाहें तो मतलब कि सिविल लाइन जो भी कुछ है उसको कहीं पे इकट्ठा कर कर और कुछ टाइम तक फर्मेंट कर कर देते हैं। हाँ। उसमें से गैस बन गई तो उसी को वापस से अपन किक आउट कर देते हैं। हाँ। ये सेटअप भी अपन कर सकते हैं। हाँ। जो भी कुछ है भाई बाहर का नहीं करके अपने अंदर अंदर का, अपने अंदर ही अंदर का होता रहे का पानी, जो वेस्टेज पानी है। हाँ हाँ हाँ, उसका सारा एक जगह करके इसके अंदर, उसके अंदर हमारे तो उसका वो है मतलब कि फर्नेसेज हैं और वो कास्टिंग होती है ना। अच्छा, तो कास्टिंग का ज़्यादा काम होता है तो पानी इतना ज़्यादा नहीं आता है, वेस्ट नहीं होता। तो वो तो फिर अपन इसी के साथ थ्रू वो तो कर लेंगे। वो तो ठीक है, एक ट्यूबवेल या समथिंग ऐसा कुछ। हाँ। अपन ने समर्सिबल लगा दिया, उसके साथ में लगा दिया तो चीज़ हो जाएगी। ये कितने क्यूबिक का है? 25 घन मीटर का है। 25 गज मीटर का, घन मीटर, घन मीटर का। हाँ। ठीक है, तो ये दो पाइप मतलब कि एक तो इसके साथ में जोड़ रखे हैं और उसके साथ में जोड़ रखे हैं। वो तो इसमें जो गैस बनेगी उस पाइप को, उसको वाल को खोला, इसमें से हम जहाँ काम में ले रहे हैं जहाँ पे जी, उधर से अगर लेनी होगी तो उधर से खोल लेते हो आप। तीनों आपस में, तीनों एक साथ में जुड़े हैं, नीचे से जुड़े हुए तीनों आपस। ठीक है ठीक है, पहले हमारे पास ये दो ही थे, उसके बाद में बनवाया। अच्छा, ये तीसरा ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पे मतलब कितनी गोबर अपन इकट्ठा कर लेते होंगे इसके अंदर? तो जैसे 4-5 दिन में एक बार खोलते हैं 500-700 kg गोबर। 500-700 kg इतना मतलब कि हाँ नेचुरली यहाँ से। हाँ, जो हमारे पास है वो बस हुई। और उसमें भी हमारे पास जैसे मिट्टी वाला जो गोबर है, जब इसमें गाय बंधी हुई मिट्टी में। हाँ, उसके गोबर को काम में नहीं लेते हम। अच्छा। केवल जब फर्श पे बंधे गाय उसी का गोबर आएगा हमारे पास। अच्छा अच्छा, फर्श पे ना। हाँ हाँ हाँ, फर्श वाला गोबर आएगा ताकि मिट्टी नहीं जाए इसके अंदर, मिट्टी नहीं जाए। ठीक है, मिट्टी फिर वो बैठ जाएगी नहीं तो नीचे। तो ये तो धीरे धीरे ऊपर उठ कर आ जाता है और उसी से फिर बाहर निकल कर फिर ये जो वेस्ट होता है आप ये खाद के हिसाब से। हाँ, वो जैसे पतला आ गया उसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं फिर ये। अच्छा, मैनुअली सुखा जैसे कैरी में अपने छोड़ दिया। ये इस तरह से वो सूख गया, जैसे इसको निकालते हैं सूख गया तो बाहर। अच्छा, फिर वो इसको फिर खेत में डालो, फिर इसको खेतों में डाल देते हैं फिर बिकता भी है। वैसे 75 पैसे kg बिक रहा है ये। 75 kg भी, 75 पैसे kg।
अच्छा, अगर हम वहाँ पे अगर ये मैन्यूअर इस टाइप का निकालें और कहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं हाँ तो 75 रुपये किलो, 75 पैसे पैसे सॉरी के जी। 75 पैसे किलो के हिसाब से हाँ वो निकल जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। ये आपकी प्योर खाद है, मतलब जो आप काम हाँ वो प्योर का अगर आप जिसके उसको अंदर रुक नाइट्रोजन और वो हाँ मिक्स मिक्स रहती है तो वो हाँ ज़्यादा मैन्योर, मतलब कि बिल्कुल इसके अंदर से फर्मेंट होता है तो, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वो जो अमोनिया सब रिलीज हो जाता है, हाँ नाइट्रोजन रहती है नाइट्रोजन रहती है। तो नाइट्रोजन से वो अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरा अपना वो सीएनजी का एक बार आगे देख ले। हाँ ऊपर ध्यान रखें। यहाँ इसमें बना रहे हैं सीएनजी, वहां से हमारे अच्छा पास बायोगैस की गाड़ी आ रही है, अच्छा यहाँ हम इसको ड्रायर है जो लाइन में अगर पानी वानी होगा तो यहाँ रुक जाएगा, अच्छा अच्छा उसके बाद भी कंप्रेस करके इसमें स्टोरेज कर लेते हैं बायोगैस को। नहीं ऊपर से वो गैस फॉर्म करता है तो उसमें पानी भी आ जाता है कई बार, ऐसा हाँ कुछ है? गैस लाइन में आता है पानी, अच्छा, जो वो पाइपलाइन जो है इवेपोरेट होती है तो उसके अंदर हाँ वो, वो जैसे अपने भाप हाँ टाइप का जो बनता है उस भाप भाप बनती है हाँ तो भाप की वजह वो से। लाइन में रुक जाता है पानी, तो ठीक वो है इसमें आकर यहाँ हमारे पास रुक जाएगा पानी, ठीक है। और यहाँ से फिर कंप्रेसर चला कर इसमें स्टोरेज कर लेते हैं गैस को। अच्छा ये कंप्रेसर है और ये मोटर है, मोटर चलाएंगे और ये हाँ कंप्रेस कर कर इसमें बल पहले तो इसके अंदर देता हाँ इसमें बल इसमें मान लो आप है, इसमें स्टोरेज हो गई है इसमें स्टोरेज होगी, मतलब ये तो जैसे वो अपन हवा भरते हैं हाँ साइकिल वाला उसमें समथिंग वैसा वाला हाँ सिस्टम है, वही है और उसके थ्रू फिर अपन यहाँ पे एक प्रेशर मीटर लगाकर और इस टैंक के अंदर अपन स्टोर कर लेते हैं 12 बार तक इसमें स्टोरेज कर सकते हैं अपन, 12 बार प्रेशर तक, मतलब कि प्रेशर प्रेशर 12 PSI 12, हाँ PSI 12 के हाँ आसपास का। फिर यहाँ से हम इसको हल्के रेसे पे छोड़ते हैं बायोगैस को। अरे हाँ इधर आ जाओ अंदर आओ, मैं यहाँ से हम इसको हल्के रेसे पे छोड़ते हैं बायोगैस को, अच्छा और इस पाइप के द्वारा ऊपर से पानी का प्रेशर डालते हैं इसमें, इस कॉलम में पानी का प्रेशर डालते हैं ऊपर से अच्छा मतलब मोटर से, कि ऊपर ये जो मोटर है इससे पानी खींच करके इसमें ऊपर से डालते हैं से इसके अंदर पानी डालते और हैं, नीचे से गैस को छोड़ देते हैं, नीचे से गैस को छोड़ देते हैं। तो जो ये पानी इसके अंदर डालना क्यों ज़रूरी होता है? पानी एक मिनट मतलब जो बायोगैस है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है वो पानी के हाँ साथ घुल के नीचे बैठ जाएगी, अच्छा, और मीथेन है वो पानी में नहीं घुल करके ऊपर वो निकल ऊपर की जाएगा, तरफ निकल जाता है। ऊपर से इस पाइप के द्वारा हमारे पास यहाँ इसमें प्योर मीथेन स्टोरेज होगी। तो ये जो प्रोसेस होता है जो पानी से उसके अंदर वो निकलने का, वो कितनी देर का होता होगा? 4 किलो गैस के लिए 2 से 2.5 3 घंटे चाहिए, 4 kg गैस बनाने के लिए, अच्छा 2.5-3 घंटे, फिर वो मीथेन इसके अंदर इकट्ठी हो इसमें जाएगी। मीथेन इकट्ठी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो इसके अंदर जो वो पानी जो आता है तो उसके अंदर क्या सर्कुलेट चलता रहता है वो। सर्कुलेट करते रहना पड़ता है, हाँ मतलब कि इसके अंदर जो अपने पास में जो गैस बनी है हाँ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिक्स है तो उसको हाँ इसके थ्रू पानी के अंदर मिक्स कर कर उसको तो अलग उसके अंदर कर सर्कुलेट करते रहते हैं, हाँ तो सर्कुलेट करने के बाद वो ऊपर की तरफ उड़ जाती होगी और उसको इसमें एक स्टोर कर उसके लेते थ्रू अपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ केवल मैनुअल प्रेशर है, जो इसका वही प्रेशर रहेगा वही प्रेशर रहेगा, प्रेशर इसी के अंदर रहता इसी है। के अंदर उसी के अनुसार आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको बोटलिंग के लिए ले जा रहे हैं, जनरेटर चलाने के काम में भी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अपन ने बॉटलिंग, बॉटलिंग का मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब जो सिलेंडर भर रहे हैं अच्छा उसमें। सिलेंडर भरने का काम जो हाँ बता रहे हैं। ये ड्रायर है इसमें मॉइस्चर को सुखाने के लिए, अच्छा इसमें मीथेन में भी अगर कोई मॉइस्चर वगैरह होगा तो यहाँ अच्छा पे वहाँ रहेगा। से वो जो पानी के थ्रू होता है यहाँ पे आएगा, हाँ तो ये ड्रायर कैसे सुखाता है क्या है? ये मतलब वो चिलिंग ड्रायर है, अच्छा, ये मतलब ठंडा करके रोक लेगा ठंडा पानी कर को, देगा। अच्छा, बर्फ जमा लेगा पानी को उसको रोक लेगा, अगर मगर फिर हवा वो वहाँ कहीं चोक तो नहीं हो जाता है पाइप ऐसे समथिंग? नहीं, निकालने का लग अच्छा, जाएगा उसको वो। ज़्यादा कंडेंस कर देते हो तो बिल्कुल पानी के फॉर्म में आ जाता होगा और उसको फिर वो हाँ बाहर निकाल देता बाहर है। निकाल देते अच्छा नहीं तो, ये। अच्छा अगर इंजन के अंदर जाएगी तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ इंजन में सिलेंडर में गाड़ी में सब में हुआ, हाँ ये ठीक इंजन है 12.5 किलोवाट का, है, इसको अगर सीएनजी से चलाते तो पूरा लोड देता है अच्छा और बायोगैस से चलाते तो आधा लोड देगा। सीएनजी से चलाएंगे तो फुल, क्योंकि बायो गैस ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नहीं उसमें वो कार्बन वगैरह इस वजह से ये मतलब आधा लोड देगा अपने को,
अच्छा आधा लोड देगा, जैसे अच्छा 5 किलोवाट आउटपुट निकालेगा ये, ठीक है ठीक है। सीएनजी से 10 किलोवाट निकालेगा सी एन आउटपुट। जी से 10 किलोवाट नहीं, हाँ उसकी फायरिंग ज़्यादा होती है तो हाँ उसके हिसाब से वो हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर वो करंट वरंट जो भी था हाँ आउटपुट मिल रहा है उसके हिसाब हाँ से जैसा। ये जो बायोगैस है अपन जो यूज़ कर रहे हैं इसको एज अ जो अपने व्हीकल्स होता है उसके अंदर यूज़ में ले सकते हैं। नहीं, बायोगैस को नहीं काम में ले सकते इसको, जो सीएनजी जो अपनी तैयार हुई है उसको हम उससे व्हीकल चला सकते हैं। सी एन जी मतलब कि जो अपन ने नाइट्रोजन और वो हाँ कार्बन निकाल अलग करने, करी हाँ थी। अलग करने के बाद में। उसके लिए ये कंप्रेसर अच्छा 400 kg प्रेशर का, अच्छा वहां से जो ड्रायर के बाद में जो अपने पास पाइपलाइन, पाइपलाइन के द्वारा वहां से गैस आएगी। वहाँ से यहाँ पे आ गई जिसके अंदर वो अभी उसके अंदर पानी है हल्का हल्का। नहीं पानी नहीं है, पानी वहां निकल रोकने के बाद में गैस आ रही है अपने पास ड्रायर में, जो उसमें जनरेटर वाले जो ड्रायर लगा हुआ है। अच्छा वो जनरेटर वो उधर के अंदर वहाँ पे हाँ ड्रायर था, हाँ ड्रायर से वो मतलब उसके कि बाद में ये आ रही है अपने पास। सेपरेट होने के बाद में हाँ यहाँ पे इस रूम में आ गई। हाँ और ये ऊपर ये पाइपलाइन आ रही है ऊपर से और तीसरे रूम सीएनजी से सीएनजी की, और यहाँ से सीएनजी भी इसको कंप्रेस करके, ये 2 सिलेंडर है हमारे पास 12 12 kg के। 12 kg के। हाँ एक सिलेंडर 12 kg का है, अच्छा इसमें स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में फिर जब भी हमारा व्हीकल यहाँ आता है, गैस हाँ लिए उसमें डाल दी इस पाइपलाइन उसके में। अंदर डायरेक्ट अपने यहाँ पे डाल हाँ देते हैं। तो मतलब ये एक पूरा जो 12 kg के आसपास का सिलेंडर है ये लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं होगा नहीं, वो तो, केवल गैस क्योंकि फॉर्म में। मीथेन है गैस फॉर्म में, हाँ तो वो कितनी देर तक एक व्हीकल जल जाता मतलब है? 4 kg में वो 100 किलोमीटर के लगभग चलता है, 90 100 90 100। ये 12 किलो का है ना, हाँ मतलब गाड़ी में 4 किलो का है। गाड़ी में 4 किलो का है हाँ हमारे और पास 3 व्हीलर है, ऑटो है हमारे पास, थ्री दो व्हीलर ही, ऑटो है। ठीक है एक ही ऑटो हमारे पास। यहाँ अपने पास सीएनजी को गाड़ियाँ हैं नहीं, ठीक दिल्ली से है। मंगवाया हुआ है ये। अच्छा नहीं सीएनजी के जैसे अब ऑटो भी तो नहीं चलते हैं नहीं यहाँ पे सीएनजी के अपने? नहीं है अपने यहाँ, राजस्थान में है नहीं, नहीं तो निहारी कलर के जो वो एलपीजी के ही है, वो एलपीजी के हैं। अच्छा अच्छा एलपीजी के हैं वो, अच्छा अच्छा सीएनजी के नहीं है। तो सीएनजी और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो वो? हाँ लिक्विड फॉर्म में है एलपीजी, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। नहीं तो अपन डायरेक्ट वो सीएनजी की जगह पे अगर डायरेक्ट ये वाला लगाते हैं मतलब कि जो एलपीजी की जगह पे इनटेक उसको दे देते हैं तो वो भी चल जाता होगा नहीं नहीं चलेगा वो उस। लिक्विड फॉर्म में ना, उस सिलेंडर में इतनी जा ही नहीं पाएगी, अच्छा अच्छा चल तो जाएगा हाँ 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 मगर उस सिलेंडर में इतनी गैस जा ही नहीं पाएगी अपनी। अच्छा। अपना जो जैसे ये अपना जो 14 किलो का सिलेंडर है, हाँ इसके अंदर 2 किलो गैस आती है मात्र ये। अच्छा अब 2 किलो गैस से 2 5 किलोमीटर चलेगा ज्यादा नहीं नहीं। तो 12 किलो का सिलेंडर है ना, हाँ इसके अंदर कितनी 2 किलो आएगी आपके पास में? नहीं इसमें इसमें 12 किलो इसमें आएगी, 12 किलो ही पूरी आ इसमें रही बारह है। इसमें प्रेशर का दबाव ना ज्यादा हाँ ज़्यादा प्रेशर दबा रहता के है भर दिया इसमें, दबा के भर और दिया उसका प्रेशर 12 kg, 10 से 12 kg प्रेशर है उसका, 10 से। अच्छा उसका एलपीजी वाले उसमें सिलेंडर का। 4 वो आती है मगर 10 से 12 के आसपास अपन उसके अंदर प्रेशराइज करके डाल सकते हैं, हाँ उसके अंदर प्रेशर 10 से 12 के बीच में दस प्रेशर से रहेगा, बारह वरना वो फट जाएगा। अच्छा, मतलब 10 से 12 PSI के आसपास उसका। हाँ ठीक है तो ये मतलब कि अगर जो बाहर आपने वहाँ पे जो मेरे को एक वो जनरेटर बताया था वो CNG का है, वो सीएनजी से चलता है, बायोगैस से चलता है, दोनों से CNG चलेगा, बायोगैस और दोनों से LPG चलेगा। से भी अगर चलाते हैं तो एलपीजी से चल जाएगा, फ्यूम चलता से वो है चल एलपीजी। जाएगा। हाँ हाँ तो मतलब कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है मगर उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं हाँ तो अगर अब उनको कोई कार अगर लेनी होगी तो उसका इंजन अलग होगा हमारे पास में तब वो चल पाएगा तब वो चल पाएगी CNG की। सीएनजी के, जो जैसे दिल्ली में जो गाड़ियाँ चल रही सीएनजी की, हाँ हाँ वो हाँ गाड़ी चल जाएगी। मतलब कि वो प्योर गैस वाली है नहीं तो LPG हाँ उसके साथ में चलती है। अच्छा इस पूरे सेटअप को अगर मेरे को अगर कहीं पे लगाना हो और यूज़ में लेना तो कितना अपन को एरिया अब चाहिए होगा? 15 से 20 लाख रुपए तो खर्चा है इसमें, ठीक है मगर फिर कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब समझा नहीं कैसे? इनकम नहीं है, मतलब अच्छा नहीं प्रॉफिट जैसे नहीं है, लॉस ही है। मतलब कैसे लॉस कैसे कहेंगे? इसकी कैपेसिटी कम है, डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से लगा हुआ है ये प्लांट, अच्छा, तो इसकी कैपेसिटी कम है गैस बनाने की। ठीक है यहाँ पे जो अभी ये अपने 7 दिन में 8 किलो गैस निकालेगा अपने को, हाँ 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 8 किलो गैस का हो गया 200 रुपये मान लो आप, ठीक है
मार्केट में खरीदते हैं तो 200 रुपये की हो गई। हाँ और इसकी आदमी की लेवल नहीं मिली। हाँ वो जो इसके अंदर, अरे लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन कॉस्ट है वो इसके अंदर ज़्यादा पड़ रही है समथिंग, हाँ, तो मतलब कि ये ह्यूमन कॉस्ट का अगर मैं कहता हूँ कि ठीक अगर ये है, बड़ा प्लांट लगाते हो हाँ तो हाँ फायदा है। तो फ़ायदा है इसका, नहीं प्लांट के हिसाब से नहीं, वैसे अभी अपने फैक्ट्री के हिसाब से भी लगाएंगे, फैक्ट्री और के हिसाब से मतलब नहीं आएगी, केवल आप फैक्ट्री के हिसाब से कर लो, बायोगैस तक कर वो लो। बायोगैस वाला उधर पहले वाला, आप वो रखो, फिर जनरेटर लेके आओ। ये आपके पास ज्यादा अगर नहीं गैस तो फिर जनरेटर काम में ले लो, तो ज्यादा नहीं तो 1 घंटा भी अगर अपन लाइट सप्लाई, अपनी फैक्ट्री में लाइट सप्लाई हो जाती है तो कहाँ नुकसान है। आपका वो जो गर्म होने का काम हो उसको खत्म होने के बाद में अगर 1 घंटा लाइट सप्लाई हो जाती है तो कहाँ नुकसान। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, तो उसके पहले एक बार वो लगे तो उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर वो काम रिक्वायरमेंट के करेंगे। हिसाब से फिर बढ़ा सकते हैं उसमें, हाँ, वो जो पूरा जो अपन ने एक टैंक बहुत बड़ा वाला समथिंग पिचासी देखा था किलोमीटर का। 85 वाला, हाँ तो वो उसके अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या पड़ती होगी समथिंग, जो इसका पूरा ऊपर मेटल का अब अपन वो ने, पूरा 5 लाख रुपये लगभग पड़ेगा। ये 3 साल पहले बनवाया था, इसमें 4 साढ़े 4 लाख रुपये। अच्छा, उस समय वो लोहा अपने 58-55 के लगभग था ना ये उस समय। कितना लोहा लग गया होगा समथिंग इसके अंदर इतना तो आइडिया नहीं मेरे को। तो मतलब कि उसके हिसाब से निकाल लेंगे कंस्ट्रक्शन, ये समथिंग हाँ, ये कुछ ऐसा पड़ रहा है। अच्छा, आपका नाम ईश्वर बताया प्रजापत। ईश्वर प्रजापत, हाँ, आप यहाँ पे गौशाला के अंदर इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हैं, ठीक है, थैंक यू।